हमारा मसला है कि हम 2 साल से हमारा स्कूल बंद है, इसलिए सभी बच्चों को या हम सभी को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। हम लोगों को यहाँ पर इंटरनेट नहीं होने की प्रॉब्लम है कि हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हम लोग 20 किलोमीटर तक हमें से जाना पड़ता है, और वहाँ पर भी अच्छे से इंटरनेट कभी कभी तो नहीं चलने होते, और हम सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारा ऐसे वैसे तो वाईफाई सतों में ही है, पर इसी परमा और यही आसपास के गांव भी उधर आते हैं बच्चे पर क्लास लेने, पर उन लोगों को थोड़ा दिक्कत है कि इधर से नीचे बहुत दूर चल के जाना पड़ता है सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है कि दूसरे बच्चे को भी उधर आएगा तो बहुत दूर से, फिर उधर अच्छे से क्लास भी नहीं चलते सर। हम लोग सुबह उठ के वहाँ रोड पर जाते और लिफ्ट मांगते हैं, कभी कभी तो गाली भी नहीं मिलते, कभी तो मिल भी जाते तो वहाँ पर कभी कभी तो अच्छे से चालू नहीं होते वाईफाई, फिर जो मैम बेचते हैं मोबाइल के अंदर वो सब हम सब डाउनलोड करके हम सब घर वापस आ जाते हैं। सबसे हमें डिफ़िकल्ट या मुश्किल बच्चे के लिए हो रहा है सर, आपको पता सर ले से यहाँ डिस्टेंस 150 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ सर, सबसे प्रॉब्लम यहाँ सबसे पहले तो बाकी लोग तो चल रहे सर ले और इंटरनेट चलने वाला जगह तो आसपास इंटरनेट भी कभी चल रहे, फिर भी यहाँ तो इंटरनेट बिल्कुल चलता ही नहीं है, यहाँ से कम किलोमीटर 20 या 25 किलोमीटर तो उधर नीचे जाना पड़ता है, यहाँ पंचायत घर को भी नहीं, यहाँ उधर पंचायत घर है उधर में थोड़ा थोड़ा नेट चलता है, उसमें भी ज़्यादा बच्चा होने की वजह से हैंग हो जाता है सर। जो ऑनलाइन सिस्टम है तो वो तो हर जगह स्टार्ट हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बॉर्डर एरिया है जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम गांव में 4G इंटरनेट या 3G इंटरनेट कहीं नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चे या तो गाँव से ले शिफ्ट होना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए, क्योंकि 2 साल से कंप्लीट लॉकडाउन है तो फिजिकली कुछ वहाँ पे क्लासेस तो हो नहीं रहा है, तो बच्चों को ऑनलाइन ही थ्रू उनका क्लासेस वगैरह हो रहा है, तो फिर इनको क्लासेस अटेंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रहा है। मैंने कई दफ़ा ये इश्यूज़ को जो है राइज़ किया, इवन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि बॉर्डर की जो मेरी एरिया है और भी बहुत सारी एरिया है जहाँ पे 3G का तो बिल्कुल दूर की बात है, 4G का दूर की बात है, कुछ गांव जो है अभी भी 2G इंटरनेट 2G फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो उस सूरत में हमारे बच्चे टोटली सफ़र है। अभी खाली गांव में एक पंचायत घर जहां पे VSAT इंस्टॉल किया गया है वहां पे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये है कि उस पंचायत घर में मैक्सिमम 8 to 9-10 यूज़र से ज़्यादा वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, अगर उससे ज़्यादा यूज़र वहाँ पे आते हैं तो फिर चलना बंद हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बाकी हमारे जो मेरा एरिया है वो एजुकेशन को लेके पूरी तरीके से सफ़र हुआ ये पिछले दो साल से, अभी भी कंटिन्यूस है। अभी तक तो ये BSNL का फ़ोन चलता है सर, उसमें भी कभी कभी बंद हो जाता है, बहुत मुश्किल ये हो गया, नहीं तो हमें अभी तो कुछ ये एयरटेल के लिए सर्वे भी किया, वो तो कब पहुंचेगा कोई पता ही नहीं सर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ नेट न्यू होने की वजह से हमें बहुत ही टेंशन है सर उसके लिए, अभी जल्द से जल्द स्कूल या अभी तो कोविड भी ज़ीरो हो गया इसलिए तो स्कूल सारा खोलना बहुत ज़रूरी है सर। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो 12 गाँव है, 4 पंचायत हल्का है, लेकिन मैक्सिमम मेरे उस क्षेत्र में जो मेरा सब डिवीज़न है उसमें प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं है, हमारे जितने भी रूरल जो वहाँ पे लोग हैं उनका बच्चे जो है गवर्नमेंट के स्कूल में ही है, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता है कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट स्कूल में जो इनरोलमेंट है वो गांव का ही है, तो उस हिसाब से उनको ये दिक्कतें जो है क्लियरली हो रहा है, और स्टूडेंट के जो अगर इनरोलमेंट की बात करें तो कम से कम 250 के करीब मेरे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कैसे करना है,
स्कूल में होते तो बहुत अच्छे होते हैं।